हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केवी ब्लॉग्स। और अब हम जा रहे हैं, अभी फिलहाल में जा रहे चंडीगढ़। नहीं नहीं नहीं, फिलहाल में जा रहे चंडीगढ़। वैसे हमारा प्लान है, पहले हमारा प्लान है मैकलोडगंज और डलहौजी जाने का, पर अभी हम जा रहे हैं पहले चंडीगढ़, पहले जा रहे हैं सोनी, फिर जाएंगे चंडीगढ़, फिर जाएंगे मैकलोडगंज का। और ये निशांत भाई हमारे साथ, राम राम भाई, विशाल भाई दी ड्राइवर, पूरे ड्राइवर, पूरे पूरे उसमें ड्राइवर ड्राइवर ही कहते हैं इसे भी। एंड इसको तो तुम भली बात ही जानते हो, हमारा एक्स ड्राइवर। पुराने ब्लॉग से मैं वीडियो ही चला कर रहा मुझे लग रहा पोर्टल आएगी ये रुक गए यहाँ ग्राउंड पे, रुके पड़े हैं अभी हम, ट्रिप कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेके, अभी थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा वॉशरूम ब्रेक भी बनता है भाई का, वॉशरूम ब्रेक चल रहा है यहाँ पे। ये देखो आहा, ये भाई ले रहे हैं पूरी बाइक, बस एक तो फोग इतना हो रहा है, दिखेगा भी नहीं तुम्हें कुछ भी, साइड से ट्रक ट्रक जा ही रहे हैं। अभी चलेंगे फिर यहाँ से, कंटिन्यू करेंगे, अभी रुके पड़े हैं, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? चंडीगढ़, चंडीगढ़ कैंट। अभी हमें पानीपत, फिर आएगा करनाल, और उसके बाद आएगा कुरुक्षेत्र, फिर आएगा अम्बाला, फिर चंडीगढ़। मतलब अभी तो हैगा टाइम, तो दो ढाई घंटे भी है, हमें लगता बहुत थाउजेंड इयर्स लेटर। और भाई अभी सुबह के बज रहे हैं चार, चार बज रहे हैं या ब्रो? भाई पाँच बज रहे, पाँच बज के बिन सोए, और अभी भी हम राम है। चंडीगढ़ रुकने का प्लान था पर चंडीगढ़ रुके नहीं, अब सीधा जा रहे हैं मैकलोडगंज, मैकलोडगंज हमारे के लोग आराम से 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। ए निशांत भाई, कितने बजे तक पहुंचा दोगे? 11 भैया, हम पहुंचा देंगे आपको 5 घंटे में। अभी तो 5 घंटे में पहुंचाएंगे। ध्रुव भाई और मैं तो जा रहे हैं भाई, देखो मस्त नींद खेचेंगे, तगड़ी नींद खेचेंगे, सो जाओ यूरी कम्बल। और अभी हम जा रहे हैं, अब बाकी सब इन ड्राइवर भाई के हाथ में, ड्राइवर भाई पहुंचा दोगे? डन, ऊपर डील होगी, अब देखते हैं ऊपर जाएंगे कि हम सीधे मैकलोडगंज ही पहुंचेंगे, ऊपर ही ठीक है, ऊपर ही तो है। तो भाई स्वर्ग में तो मिले नहीं जगह, भाई ऊपर स्वर्ग में तो मिले नहीं जगह हम पहुंचे में, पहाड़ों में स्वर्ग से हम आती है, पहाड़ पहुंचा दे भाई, पहाड़ मिल जाएगा भाई स्वर्ग में जगह। हां तुम्हारे कर्म इतने बहुत अच्छे हैं इन बहन के भैया के, भाई कर्म देख लो भाई, नरक में भी मुश्किल है, नरक में मुश्किल है भाई। यार आपको तो नरक में भी नहीं है, आप तो बहन बना के, पर्सनल नहीं होना भाई, एक तो पर्सनल नहीं होना पूरी ट्रिप पे, 60 मीटर तक कैसे तो सामने को दिखा दो कोरा भाई, तगड़ा हो रहा कोरा, कुछ भी नहीं दिख रहा पर फिर भी जा रही है। तो फाइनली कितने घंटे की ड्राइविंग करी ड्राइवर सर आपने? नहीं तो मतलब 6-7 घंटे की ड्राइविंग करके हम घुसे हिमाचल में, सिर्फ हिमाचल में घुसे, 10 घंटे की ड्राइविंग होगी, 10 घंटे की ड्राइविंग करी मतलब हमने, और अभी तक सिर्फ हम हिमाचल में घूमे, हाँ 2-3 घंटे वैसे हम चंडीगढ़ में रुक के भैया के दौरे पे खाना वीना खा के बिल मोटा बैठा के फ्री फंड का, और वो आए तो फ्री फंड का ये भाई वो फ्री बढ़ाना जी, अबे बढ़ाना जी तो मोटी पार्टी है ही, कह रहे बढ़ान जी एक बार ऐसे सेव कर दो आप ये वाला अपना फैशन वाला, एक बार सिग्नेचर स्टाइल बढ़ाना जी का, बट एक साथ एक साथ बढ़ाना जी, एक बार तो बनता है ये वाला, नहीं बढ़ाना जी ये वाला यार बढ़ाना जी रूस रहे यार, देखना भैया को पता ये, देख भैया एक बार कर देना आप, ये बढ़ाना जी का सिग्नेचर स्टाइल है। और अभी भी फिलहाल में हमें लग जाएंगे 3 घंटे कम से कम पहुंचने में मैकलोडगंज, 3.5 घंटे कम से कम, धर्मशाला लग जाएंगे, धर्मशाला, उसके बाद फिर हम जाएंगे रुकेंगे आराम आराम करेंगे फिर निकलेंगे कहीं घूमने। और भाई अभी भी हम पहुंचे पड़े ऊना, ऊना कहाँ पे भाई अभी हम, कहाँ ऊना कहाँ पे, ऊना 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 जी का करके अभी तो ऊना ही पहुंचे हैं, अभी भी हमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा पहुंचने में अभी ऊना, और रुके हैं थोड़ी देर चाय वाय पियेंगे अभी पहले, भाई यार ये गलत चीज मत करो यार, ओ भाई रिकॉर्ड विकॉर्ड नहीं अभी पीनी, चाय बहुत ठंड लग रही है कदम से जी से पाट दिया, मैं भी ब्लॉग ब्लॉग नहीं दे, निशांत भाई कहाँ गया तेरी, चलो वीडियो क्वालिटी देखते हैं। हाँ निशांत भाई का वीडियो बनाओ, ये हमारी हमारी बहुत बना कर रहे हैं ऐसे में स्नैप, इनकी बनाओ इनकी बननी चाहिए, बनाओ बनाओ बनाओ, हाँ जूम मार स्पेशली। तो अभी अभी कंटिन्यू करेंगे वापस,
दस पाँच पंद्रह मिनट बाद जितना भी टाइम लगे। अभी हम ऊना से निकल कर आ चुके हैं पहाड़ देखना मैक्रोडगंज की तरफ। व्यू बहुत प्यारा भाई पर कुछ भी कहो। बाबा जी एक और बाबा जी भाई कम से कम 6 घंटे की ड्राइविंग करके आए हम 6 घंटे की और अभी भी हम जो ड्राइविंग मतलब हम करके आए हैं। हम गाड़ी में तो बैठे हैं, तबीयत तो हमारी खराब हुई है। गाड़ी 12 घंटे नहीं सुबह से कह रहा हूँ मैं अभी चंडीगढ़ से जब निकले हम जब कम से कम 6 घंटे की हमने वो कर ली ड्राइविंग भैया ने। ठीक है भैया ने ड्राइविंग करी है। ड्राइवर ही कहते हैं, ड्राइवर ही कहते हैं। कोपायलट, ये कोपायलट साइड में बैठ कर मैप बताने वाले ये एक ड्राइवर हमसे ड्राइविंग ना करवाते। और अभी भी हम मैक्लोडगंज नहीं पहुंचे। अभी भी नहीं पहुंचे भाई। अभी भी हम धर्मशाला में बैठ कर खाना खा रहे हैं। धर्मशाला हमारा एक स्टे पॉइंट है। स्टे पॉइंट हाँ, इनके 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 स्टे पॉइंट है। इनके जैसे घर वाले भी आ जाते तो यहीं रुके हैं। यही वो होटल है जहाँ से खाना वाना खाते हैं। और अब हम आ चुके हैं फाइनली मैक्लोडगंज। बस कैसे कैसे आए वो हम ही जानते हैं। वैसे तो यार ड्राइवर साहब आज की करता हुआ फोन पे वीडियो कॉल पे लग रहा आप भी बे यार गलत बस में करो। वे जा रहे हमारे दो और शेर भागे भागे जा रहे हैं रुक नहीं रहे। अभी फिलहाल में अभी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं पर घूमने जा रहे हैं। इतना मुश्किल है भाई मकान बन रहा भाई। इसके इसके इसके, इसके ये दिक्कत है कि यहाँ मकान की बन रहा कितना मुश्किल है ये देखो यार। ईंटें नीचे से लाना भाई तुझसे थोड़ी बनवा रहा है वो जो भी भाई मुश्किल नहीं है यार। ये देखिए ऐसे छत्ती डालनी मेरे अंदर हमें क्या मतलब हम घूमने आए घूमते रहे तू बस हमें घूमने से मतलब फिलहाल में। अब जिस हिसाब की रोड से आए हैं ना भाई उस रोड के मैं क्लिप लेने भूल गया भाई। मौत यहाँ से देखी आज मैंने बिल्कुल यहाँ से पास से एकदम कते पास से देख आज हम मौत क्लिप हैंगी क्लिप करिए ध्रुव भाई ने शूट करी हम क्लिप करूंगा एडिट करके जरूर डालूंगा उसमें क्लिप जरूर दिखाऊंगा भाई उसमें भाई वो जो रोड थे ना ऐसे वो इतने तगड़े कट मारे आज हमने मतलब ड्राइवर साहब ने गाड़ी की मौज ही जो कर दी जो आ रही गाड़ी मौज ही कर दी। और यहाँ से व्यू कितना प्यारा आ रहा है दिखेगा नहीं जन तो काफी हाइट है। और यहाँ लगती है तिब्बत मार्केट मार्केट मतलब हाँ मार्केट ही लगती है। और अभी हम फिलहाल वापस जा रहे हैं रूम क्योंकि मैं और विशाल रहे हैं बहुत ज़्यादा इन भैया के नहीं है दिक्कत ये भैया मौज में वही पर भाई आप पता नहीं आप सोने आए हुए हैं भाई हम रहे थक देखो हमको जाना पड़ेगा पर यहाँ पर मार्केट बढ़िया है ये मार्केट बढ़िया है पर यहाँ पर कपड़े कपड़े यहाँ ज़्यादातर तो कपड़े ही होंगे यार यहाँ और क्या होगा हमें क्या कपड़े ले तो कपड़े तो लेने होते हैं हमें नहीं लेने कपड़े वपड़े मेरे को लगा ये टेडी बियर इसने बांध रखा पीछे बहुत भाई तो पागल है ये तो बच्चा है वो तो पागल पागल हो गया है क्या मेरे को लगा टेडी बियर बाकी शॉप वगैरह इधर है बढ़िया मतलब हाँ ठीक ठाक घूमने लायक जगह है आ सकते हो भाई से कुत्ता पसंद आ रहा अभी बेचने के चक्कर में यूं कह रहा उठा के इस कुत्ते को बेच दूं तो यार भाई इनकी धोती दे दो यार भाई एक ही से इनकी धोती बहुत पसंद आ रही है कान की धोती ओ देख रहा हूं भाई हां इनकी जैसे जैसे मतलब इन्होंने इनका जो रिचुअल ड्रेस है ये सब बहुत ज्यादा पसंद आ रहा तेले खरीद दूं एक तू कहता मैं देख रही हूं तू मार भी मारेगी बहुत अभी तो पता ही नहीं कहां जा रहे पर ये पढ़ना बनता पार्किंग ओनली फॉर रेसिडेंट ऑफ छिनार रेसिडेंस मतलब जितने भी छिनार लोग हैं वो यहाँ के आके अपनी पार्किंग लगा सकते हैं ये पार्किंग उनके लिए बनी है तो अब अगली बार जो भी छिनार विनार आए मतलब वो अपनी पार्किंग यहीं लगा सकता है ना भाई। तो ये तो बढ़िया है अडल होजी खजियार का होगा वहीं पर आगे जगह वहाँ पर एक तो इस भाई की अब गाड़ी आ गई गाड़ी एक तो ट्रैकिंग इतने तगड़े रास्ते से लेकर आ रहे हैं ना अभी हम मतलब इसके अभी युवा कलम कहा डलहौजी घूमने जा रहे थे रास्ते से आए वैसे तो अभी भैया हमें डलहौजी ले जाने की करे निकल घर चल ले बस कसम से ऐसे ही रास्ते थे ये भी बहुत डिक्लाइन है जिस हम रास्ते से आए बहुत ज्यादा इंक्लाइन थे वो उधर तो गाड़ी पर चढ़ रही थी ऊपर से कटी कट था उधर भाई अब हम निकल चुके हैं दोबारा भाई कहाँ जा रहे हैं मुझे तो बता दो भाई वाटरफॉल भाई अब हम जा रहे हैं बैक्सू वाटरफॉल वो हालत खराब है वैसे 2.5 km
कितना? 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर हम जा रहे हैं, 3.5 किलोमीटर पैदल गाड़ी होने के बावजूद। क्यों? अभी वापस 3.5 किलोमीटर आएंगे और 3.5 किलोमीटर चढ़ना हमें भाई। एक तो रोड इतनी सही रोड होती है, इनक्लाइन ऐसी तैसी हो जाएगी। अब तो एक ही दोनों बन जा रहे हैं, तेज तेज भागे जाओ। बन जा रहे हो भाई? ये नहीं रुकने के भाई, बन जा रहे हैं। हमारा खून पी रहा है, पैर खेला भी चलते हैं। वाटरफॉल वाटरफॉल पे देखेंगे क्या सीन है भाई। ये मुझे पता क्यों भागे अभी बैठ, तुम्हें यहाँ आके भी यही करना रहे वैसे नु बताओ ये ना, यहाँ आके भी यही यही करे भाई। ये तक रोटन नोएडा में तुम बहुत कर रहे थे यार भाई साहब। अभी तो मैं सोच रहा हूँ ये जब हम चढ़ तो मजे मजे में रहे हैं, नहीं उतर भाई उतरने में क्या हाल होगा, लेकिन चढ़ने में हमारी हालत खराब हो जाएगी। इसको हमारी गाड़ी चढ़ाई है, हमने यहाँ से गाड़ी चढ़ाई है भाई। तो यही साइड की गाड़ी हमारी बताओ। अभी देखो भाई ये भी तो आ रही है गाड़ी यार, व्यू बहुत सही है इधर का। मतलब जिस चीज कराए थे वो चीज है, मतलब सही है। लो भाई ये निकले हम गधे लेके हैं, बा हमें उतने नीचे चढ़ाया और हम अभी तो बागसू के वाटरफॉल पर गलत ही जा रहे थे। बताओ बैर बढ़ाना क्या होगा तुम्हारा? वाटरफॉल ना मुझे ही लग रहा वो है दाल लेक। मैं तूने तूने गलत डाल दिया, तूने दाल लेक वगैरह डाल दिया होगा। हाँ ये गूगल मैप वाले, ये भी हमारे तरह यहीं से ऑडी चढ़ा लाए। बस यही बस अब हम जाएंगे ऊपर देखो चढ़ना। ये बस ये चीज के लिए कह रहे थे कि चढ़ना भारी पड़ जाता। वो पूछ लिया एक सवारी ठंड हो रहा है भाई। फिर आ चुका एक सडन चेंज, अब हम जहाँ वाटरफॉल बजा रहे थे वाटरफॉल हुआ पूरा बंद। पंजाब भी हम वहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई चर्च है, चर्च फीस वुमेन। हाँ तुम्हारे इसी पे तो ध्यान है वुमेन, तो चर्च है, चर्च के पास आ गई मार्केट वगैरह। तो अभी हम फिलहाल बजा रहे हैं मार्केट घूमने, तो मार्केट घूमेंगे उसके बाद फिर वहीं पे चर्च घूमेंगे। बाकी फिर ट्रैकिंग का प्लान बन रहा तो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ये वो चर्च जहाँ माने कह रहे थे। हाँ क्या नाम था भाई चर्च का नाम क्या था? बक्सू टेम्पल। अच्छा टेम्पल था भाई। सुनो भाई टेम्पल था नदी में घूमना, सरोवर में जाइए नहाने के लिए, और छः बजे तक का टाइम है, 2 घंटे है। तो जैसे अगर किसी को गर्म पानी वानी ना आ रहा हो तो गर्म पानी आ रहा है, जैसे गर्म पानी ना आ रहा हो इसमें हल्का सा हाथ पानी डाल के यहाँ आके नहा सका है भाई। तुम्हारा दिमाग अलग ही चलता है, मैं यहाँ यहाँ नहाऊंगा क्या? बाकी इधर तो व्यू बहुत सही है। ये वो टेम्पल, अरे यहाँ तो हमारे बजरंग वाली भी हैं। अभी फ्रंट से जाऊँगा, जब फ्रंट से दिखा दूंगा। ये हमारे भैया अब टेम्पल से निकल गया, अब हम चल चुके ट्रैकिंग पे। ये जा रहा ट्रैकिंग का रास्ता, अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पे। ट्रैकिंग का रास्ता ऐसा दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, उधर की तरफ जा रहा है, उधर की तरफ से जा रहा है। बाकी रोड ऐसे ही है, बाकी खाने पीने का सिस्टम मस्त है। मतलब कुछ भी हो जाए थक वक आ जाओ, खाना पीना नहीं रुकना चाहिए, बस खाना पीना चलता रहना चाहिए भाई। ट्रैकिंग इतनी भारी पड़ जाएगी पता नहीं थी, बाहर हालत खराब है गंदी वाली खड़ी है भाई। और सीट भाई एक तो स्टेयर्स हो रहे हैं, पर जो भी बढ़िया है व्यू बढ़िया है भाई। ट्रैकिंग पेंटिंग किसकी है झंडे के, ये कमेंट्स करके बता देना किसकी पेंटिंग लग रही है। बाकी चलते हैं वापस ट्रैकिंग पे, हालत तो हो ही चुकी है खराब। बाल इतना खराब कर दिया, दिमाग खराब हो गया, थक गया भाई बहुत जोर का बोर। अभी हमको चले भी नहीं है, अभी तो 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। उसमें तो अभी हम चलेंगे 1 किलोमीटर भी नहीं चले, 1 किलोमीटर भी नहीं चले, मैं उसमें हालत खराब है। अभी देखो कितना और चलना पड़ता। वैष्णो देवी की चढ़ाई हो जाती है, वैष्णो देवी की चढ़ाई है ये तो। अब इतनी खड़ी तो नहीं है वो पुराना रास्ते को खड़ा। बाकी एक मंदिर यहाँ भी है, पता नहीं दिख तो ये भी रही है। वैसे पहले जिस वाटरफॉल को हम देखने वाले थे वो ये वाला वाटरफॉल है, पर ये थोड़ा सूख चुका था इसलिए नहीं देख पाए, मतलब पानी नहीं आ रहा था, इसलिए हम चर्च ट्रैकिंग करने आ गए थे।
बाकी भाई मजा तो पूरा आ ही रहा है, मजा क्या है, बस मजा ही मजा। और हमारे साथ के कुछ तो भेजो ने मेरे नीचे होता नीचे। और अभी वैसे शायद इन पत्थर पर जा रहे हैं, नीचे जाने कह रहा है। बेग तो ऐसा लग रहा है जैसे लैटरिन बोतल हाथ में लेके जाते हो, गधा बधा आएगा, ढंग से पकड़ ले यार, बस सुबह सुबह निकल आएगा 5 बजे खेतों में, बस ढक्कन से पकड़ रखी है भाई। ये है वो फाइनल पॉइंट जहाँ तक हमारी ट्रैकिंग थी, यहाँ पे एक कैफे लास्ट, और इसके बाद ये पहाड़ है, बाकी लोग आ रहे हैं अभी भी ट्रैकिंग करके और हम लोग ट्रैकिंग करते खत्म। अभी फाइनली होने जा रहा है, वैसे सनसेट भी होने जा रहा, बड़ा प्यारा लग रहा। और यहाँ पे हमारे साहब बाबा जी बैठे, और अभी हम फिलहाल में चल रहे हैं घर पर नीचे वापस अपना, चलते हैं एक तो ऊपर चलते चलते हो चुकी वैसे हमारी हालत खराब, थोड़ी देर हम ऊपर बैठे और अब हमें चलना है कम से कम 5-6 किलोमीटर, 5-6 किलोमीटर अभी तक रूम पर जाने में लग जाएगा, 5-6 किलोमीटर अभी रूम पर पहुँचने लग जाएगा, बहुत टाइम है। और बस सनसेट होते होते ठंड बढ़ते जा रही है इधर, बहुत सही वाली अब लग रही है ठंड, तो अभी चलते हैं। खैर एक तो रास्ता इतना अच्छा है, बस स्टेयर्स भी ऐसी हैं। और अब हम आ चुके थे अपने रूम पे, रात को वीडियो शूट करने ही भूल गए, इतना कुछ हुआ भी नहीं खास, ट्रैकिंग से आए थे, ट्रैकिंग से आने के बाद खाना वाना खाया तुरंत सो गए, 2 दिन के सोए नहीं थे। हाँ भाई थोड़ी बहुत तो ट्रैकिंग करी थी मैंने भी, बस देख नहीं रहा कले पर असर पड़ रहा ट्रैकिंग का, पूरा गला नीचे वहीं थक गए थे ना, बस थक नहीं गया था, पैर जवाब दे गए फिर भी कैच ले गया था। आप तो नीचे आके 2-3-4 घंटे सोए हो रूम पे। ओ भाई इतना झूठ मत बोलो, रात को सोए हो तुम्हारी क्या अली भाई, हम मेरे को ट्रैकिंग पे तू गाना लगा, तू स्टोरी पे गाना ढूंढ, तू छोड़ तो रील भेजने से बतेरे क्या हो गया लोड़ी सारी भी। भाई यार भाई मेरे घर के भी देख लेंगे, व्लॉग व्लॉग ही समझती नहीं क्या, आर के छोटे भाई ने जब मैंने पहली व्लॉग में आर को गाली दे दी, आर के छोटे भाई ने उसे टीवी पे चला दी घर के सामने, सोच मैं उस दिन से गाली वाली बनानी नहीं मन की। और ये हमारा उसका रूम है जिसमें हम स्टे कर रहे हैं, बहुत सेक्सी बहुत ही अच्छा 4-5 स्टार रूम है, और बाथरूम बड़ा है, बाथरूम बताना प्लीज कितनी बड़ी टट्टी है, अरे बाथरूम तो कितना बड़ा है भाई अबे भाई ये चीज रहने दो, बाथरूम बाथरूम में रहने दो, ये सब बाथरूम में सही नहीं है। मतलब कार्तिक भाई इतना अच्छा रूम मिला है ना, मैं इतना गद्दर मार लूंगा, मैं एक और ही लौंडा आ गया, इतना अभी अभी आए हैं भाई मेहनत करके आया, अभी अभी अंदर से भाई शेर बोल दो ध्रुव, एक बार शेर भाई प्लीज भाई एक बार जोर से शेर बोल दो, एक बार बस ध्रुव एक बार भाई भाई एक बार तो बोल दो यार, हमारे लिए इतना भी करोगे, आपके फैंस देख रहे हैं आपको भाई, तो अभी आपको मेकअप चलेगा फिर अम्बे, अब 2-3 घंटे का मेकअप है। और अब नहावा धो चुके हैं सब, सबका मैं और यही नहाए हैं सिर्फ, और सब तो नीचे गए हैं, अभी फिलहाल हम चलते हैं चाय वाय पीने, और नीचे चाय वाय पी के फिर चलते हैं कहीं घूमने, घूमने मतलब नेक्स्ट प्लेस पर जहाँ हमें जाना, अभी तो सोचा ही नहीं है, डलो जी की कह रहे हैं सर, जहाँ तक डलो जी ही जाएंगे फिर डलो जी, या फिर हो सकता है कसोल भी निकल जाए। और रूम से निकल के अब हम चल चुके हैं, एक मंदिर है बुद्धा, उस मंदिर को देखने बुद्धा मंदिर करके है। अभी सुबह का मौसम काफ़ी ही बढ़िया है, अभी धूप नहीं निकली, धूप नहीं निकली, बाकी नहीं तो हमारी दिल्ली में ऐसे से ज़्यादा ठंड है यहाँ से, बारिश हुई कल नोएडा में, कल नोएडा में बारिश हो रही, यहाँ हम आए थे स्नोफॉल देखने, स्नोफॉल तो दिख नहीं रही हमें, इसलिए अब अभी यहाँ से आज आज के आज चेकआउट मार के यहाँ से चलते हैं दूसरी जगह जहाँ दिख जाएगी हमें स्नोफॉल, हम जा रहे हैं बेसिकली स्नोफॉल देखना है, ऐसे मेरे फ्रिज में भी है कि बर्फ फ्रिज में तो मिलेगी भाई, मेरे फ्रिज में बर्फ है कि देखनी हो तो हमारे लाइव स्नो तो बस वही देखने के लिए जा। और अब हम आ चुके हैं बुद्धा के मंदिर में, लाल में बुद्धा का मंदिर है कोई फेमस, क्या नाम था इसका, दलाई टेम्पल करके कुछ है, था नाम पूछ के बताऊंगा मैं, ये देखो ये है और भी आगे है, आगे वाला पर थोड़ा बंद है, दिखा तो फिर भी देंगे ब्लैक स्क्रीन में तो सब दिख जाएगा, शीशे के पास दिख जाएगा।
शीशों के पार दिखा देंगे, मैजिक कर दूंगा एकदम से। ये देख, ये यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत सही है। ये किसी को अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाना तो यहाँ से ले जाओ, इतना बड़ा बड़ा पूरा का पूरा ये अच्छे से ही सज जाएगा। इसे सजाने सजाने में तुम्हारी 25 दिसंबर निकल जाएगी। बड़े हम आके जिप लाइन वगैरह घूमने के लिए, और ये व्यू देखो, व्यू बहुत बढ़िया है। और अभी इधर एक कमाल की चीज और है, वो है ये मंत्र घुमाने वाले, इन्हें रोलर से घुमाते थे, मंत्र मंत्रों को उच्चारण होते जाएगा। काफी तो घूम ही रही पहले से। टाइट एक तो बहुत है, और ऊपर से ये यूज किए जाते हैं जैसे कि जो इनके बुद्ध के वो है वगैरह, तो जैसे वो अगर पढ़ ना पाओ तो इन रोलर पर वही मंत्र लिख रहे हैं, तो उनका उच्चारण हो जाता है। हाँ, जो कि तुम कर ही ना पाओ, तुम पढ़ ही ना पाओ मंत्र। बाकी काफी बढ़िया है जी, और भी है बहुत मंत्र भाई, लास्ट है बस तीन, तो बस यहाँ पे मंत्र खत्म हो जाते हैं। ये खड़े हैं सारे के सारे, गाड़ी दौरा भी देखते हैं आगे क्या करना कहाँ चलना, अब सब कुछ ये बताएंगे। क्या करना अब, होटल चल रहे सामान लेकर आ रहे, अपनी गाड़ी तो दिखा दे वहाँ खड़ी। नहीं वो वाली हमारी नहीं, हमारी यही वाली है बस दूसरी गाड़ी है वो भाई। अब पैकिंग वैकिंग करके अपना वो चेकआउट करके अब जा रहे हैं, अभी पता भी नहीं है बस कहाँ जा रहे हैं, पर डलहौजी का प्लान बना था, डलहौजी का प्लान जो था वो कैंसिल हो चुका। अभी कोई चर्च वगैरह है वहाँ जाएंगे पहले, उसके नदी वद्दी है, डाल लेक है वहाँ जाएंगे, उसके बाद जहाँ तक है फिर कसौल निकलेंगे। फिर डलहौजी की प्लान हो चुका कैंसिल, अब जाएंगे कसौल, देखते हैं बाकी। अब भाई वहाँ से करके मैकलोडगंज से निकल चुके हैं, अब कहाँ जा रहे हैं ध्रुव भाई? प्रधान जी से पूछो, प्रधान जी बता दो चर्च, अब जा रहे हैं चर्च। क्या चर्च? चर्च का नाम है भाई सेंट जोन, इससे तेरा 400 मीटर, 400 मीटर आगे चर्च है, पहले जा रहे हैं हम चर्च में घूमने, फिर नड्डी जाएंगे, फिर जाएंगे नड्डी। बस थोड़ा अपना प्लान बता दो चर्च के बाद कहाँ कहाँ है, और डलहौजी तो मुझे लगा कैंसिल कर रहे थे। डलहौजी में तो कोई मतलब नहीं भाई, डायरेक्ट कसौल। अब मतलब अब डलहौजी का जो प्लान था, डलहौजी का प्लान कर दिया कैंसिल, क्योंकि वहाँ नहीं बर्फ, तो हम निकल रहे हैं कसौल, मतलब यहाँ घूम के मैकलोडगंज में 2-3 जगह, और हम उल्टा जाएंगे कसौल घूमने, कसौल में देखेंगे बर्फ मिल जाएगा। यहाँ से तो पहले चर्च जाएंगे, अभी जा रहे हैं चर्च, फिर उसके बाद जाएंगे नड्डी, फिर उसके बाद जाएंगे डाल लेक।